कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में कोविड टीकाकरण उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे इस टीका उत्सव को लेकर जिला शिमला में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक करने के साथ ही टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले ही साफ कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाए जाने की जरूरत है। वर्तमान में रोजाना 8 से 9 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं, ये 15 हज़ार तक बढ़ाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज टीका उत्सव के दूसरे दिन राजधानी शिमला में विभिन्न केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसी कड़ी में 4 दिनों तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। जिला शिमला में कोविड टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी देते हुए CMO शिमला डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा ने बताया कि जिला में टीकाकरण सेंटर की संख्या में वृद्धि की गई है, साथ ही इसके लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा रही है, जो टीकाकरण के साथ ही इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने इस टीकाकरण उत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में लोगों को कोविड वैक्सीनेशन करना बताया। ये जो कोविड महाउत्सव टीकाकरण का हम मना रहे हैं, इसके तहत हमने पहले से ज़्यादा अपने सेंटर्स जहाँ वैक्सीनेशन हो रही है वो उनमें बढ़ोतरी की है, और हमने साथ में अवेयरनेस करने की भी कोशिश की है लोगों की, ताकि मैक्सिमम लोग इसमें हमारे मुहिम में जुड़ें, और जो भी इसके लाभार्थी हैं 45 वर्ष से अधिक आयु के, वो सभी इसमें वैक्सीनेट होकर इसका लाभ उठा सकें। तो इसी को देखते हुए हमने 11 से 14 तक जो है शिमला शहर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सेशंस लगाए हैं। आज 15 जगह सेशंस इस वक्त चल रहे हैं, और जिनमें जो रूटीन सेशंस होते हैं DDU, IGMC, KNH, कमला नेहरू हॉस्पिटल, इन आयुर्वेदा हॉस्पिटल, इनके अलावा हमने अपने आयुर्वेदा विभाग के और लोग जोड़ के और कुछ प्राइवेट संस्थाओं को जोड़ के, जैसे हेल्पेज इंडिया, इन सब के भी हमने हेल्प लेते हुए और जगह भी सेशंस क्रिएट किए हैं। हमने ऐतिहासिक टाउन हॉल में सेशन क्रिएट किया है, जिसमें MC के भी जो हमारे हेल्थ के स्टाफ है उन सबको हमने डिप्लॉय किया है। उसके अलावा खिलीनी में जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वहाँ एक्स्ट्रा सेशन हो रहा है, उसमें हेल्पेज इंडिया वाले हमारी इसमें इसको सेशन को रन कर रहे हैं। और इसके अलावा भराड़ी में जो आयुर्वेदा वहाँ पे डिस्पेंसरी है, वहाँ पे आयुर्वेदा विभाग के सौजन्य से और उसके अलावा हमारे लोग भी उसमें डिप्लॉयड है, और साथ में वहाँ के लोकल कम्युनिटी की बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हमने देखी, तो वो सब मिलकर वहाँ पे सेशन कर रहे हैं। संकट मोचन मंदिर में हम सेशन कर रहे हैं आज, और इस तरह से हमने 15 जगह यहाँ शिमला में सेशन किए, और अगर पूरा ज़िला का देखें तो लगभग आज हमारे 99 सेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहे हैं, और ये जो है मुहिम हम जारी रखेंगे 14 तारीख तक, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम इसमें कवर कर सकें। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।